पत्नी के दबाव में आके मल्हार सरकार ने की बड़ी नाइंसाफी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। किसी भी राज्य का टेस्ट होता है, किसी भी शासक का टेस्ट होता है तब जब कोई अपना गुनहगार निकलता है और राजा को उसको सजा देनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ टेस्ट मल्हार सरकार का हुआ था। तब मल्हार सरकार ने गुन्नू जी को सजाए मौत देने का फैसला किया था, मगर देवी अहिल्या ने उनकी सजा को इस तरह से तब्दील किया कि सीताबाई को विधवा ना होना पड़े, उनको सती ना होना पड़े। इसलिए उन्होंने देश निकाले जैसा जो है प्रावधान रखा कि इनको देश निकाला दे दिया जाए। इस बात का देवी अहिल्या के प्रति ग्रेटिट्यूड होने की जगह द्वारका रानी का एटीट्यूड ही बदल गया है। और दोस्तों, इस बार मल्हार सरकार पहले की तरह नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस बार मल्हार सरकार अपनी बेटी के प्रति ज्यादा आकर्षित दिखाई दे रहे हैं, मोम बने हुए दिखाई दे रहे हैं और इंसाफ की प्रथा को भूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये जो कानून होता है उसका पालन सबको करना पड़ता है और यही हमें इस धारावाहिक के जरिए दिखाया गया है, सिखाया गया है। मल्हार सरकार जो इंसाफ पसंद थे, देवी अहिल्या जो इंसाफ पसंद थी, उन्हीं के सामने एक ना इंसाफी हो रही है, वो भी मल्हार सरकार की पत्नी द्वारका रानी के दबाव में। द्वारका रानी तो अपने फर्ज भूल चुकी हैं बेटी के प्यार में, वो अपने जवाई को भी वहीं पर रखना चाहती हैं, मगर वो ये भी भूल चुकी हैं कि इसको सजा मिली थी। और क्या कानून की किताबों में जो मल्हार सरकार जिसको लेके न्याय करते हैं दरबार में, उनमें क्या ये लिखा हुआ है कि कोई भी देश निकाला जिसको सजा मिली है, कभी भी देश में वापस आए, राजा से माफी मांगे और फिर आम जिंदगी जीनी शुरू कर दे? क्या ऐसा था तब? मुझे नहीं लगता ऐसा था। अगर ऐसा नहीं था तो मल्हार सरकार किस बिना पे गुन्नू जी को वहां पे रहने की इजाजत दे रहे हैं? क्योंकि उनका जवाई साहिब है, उनकी बेटी का हस्बैंड है, तो ये तो ना इंसाफी हुई ना दोस्तों। यहां पे मैं अहिल्या को नहीं लेती हूँ, माले राव को नहीं लेती हूँ, किसी को नहीं लेती हूँ, एक आम नागरिक को लेती हूँ कि अगर आम नागरिक कोई ऐसी गलती करे कि एक दिन वापिस आ जाए अपने परिवार के साथ उसी देश में रहने के लिए जिस देश से उसको देश निकाला मिला है, तो क्या मल्हार सरकार उसको माफ करेंगे? तो एक राजा होने के नाते ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं मल्हार सरकार कि पत्नी का दबाव इतना ज्यादा भारी है कि मल्हार सरकार को भी बदलना पड़ा, अन्याय करना पड़ा? तो ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि इस धारावाहिक में ऐसा दिखाया जा रहा है। तो आप भी इस पे बताइएगा, शायद मैं गलत हो सकती हूं, मुझे नहीं पता सही गलत, मुझे नहीं पता, मगर ये बात अटकती है दिमाग में। प्लीज इस पे जरूर अपने कमेंट दीजिएगा और बताइएगा कि क्या वाकई में ऐसा था या फिर सिर्फ ये यहीं पे हमें देखने को मिल रहा है और ये मल्हार सरकार के किरदार में कोई अच्छी बात नहीं है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।